अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद दीम। आज का जो हमारा टॉपिक वो है पिक्चर करेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं और इसको करेक्शन कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। बिलाफिक्र अपनी शीट पर आते हैं और यहां से अपने पेज पर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं। हम ये पिक्चर इंसर्ट करते हैं। देखो व्यूअर्स, हमने पिक्चर इंसर्ट की, हम इसका साइज सेट करते हैं। और यहाँ से हम अपनी पिक्चर पर करेक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट्स करेक्शंस आ जाएंगी जिनको हम अपनी पिक्चर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन में फर्स्ट में हमारे पास शार्पनेस एंड सॉफ्टनेस है, हम इनको अपनी पिक्चर्स पर अप्लाई करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हम जैसे इस पर अप्लाई कर रहे हैं हमारी पिक्चर्स में चेंजिंग आ रही है। ठीक है व्यूअर्स, आपको पता चला। देखो व्यूवर्स, जैसे हमने फर्स्ट पे क्लिक किया तो हमारी पिक्चर धुंधली हो गई। देखो व्यूवर्स, अभी ठीक से नज़र नहीं आ रही। अगेन इस पर करते हैं। देखो व्यूवर्स, अभी कुछ विजिबल है। ये हमारी ओरिजिनल शेप में पिक्चर आ गई। आपको पता चला इसने कैसे वर्क किया। नेक्स्ट हमारे पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है, हम इनको अपनी पिक्चर्स पर अप्लाई करते हैं। देखो व्यूवर्स, यहाँ प्लस 40 है। देखो व्यूअर्स, आपको पता चला यहाँ माइनस 40 है। आपको पता चला ये कैसे वर्क कर रहा है। इस तरह से हम अपनी पिक्चर्स को ब्राइट एंड कंट्रास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कंट्रास्ट दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मज़ीद चाहिए होंगे तो आप पिक्चर करेक्शंस ऑप्शंस पर जाएंगे तो यहाँ से आपको मज़ीद मिल जाएंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा। देखा व्यूअर्स, आप प्रीसेट से मज़ीद करेक्शंस ले सकते हैं। देखा व्यूअर्स, हम जैसे उस बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास फर्दर करेक्शंस आ गए। देखो व्यूअर्स, आप इनमें से भी कोई अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये शार्पनेस एंड सॉफ्टनेस दी हुई है, आप इनको माउस की मदद से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट दिया हुआ है। आप इस की मदद से भी इसको आप डाउन कर सकते हैं और इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनुअल भी कर सकते हैं। हमने कीबोर्ड की मदद से इसको 15 कर दिया। यहाँ से हम ब्राइटनेस इसकी सेट कर सकते हैं जो फर्दर बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके नीचे ब्राइटनेस दी हुई है, आप इनको भी आप एंड डाउन कर सकते हैं माउस की मदद से। देखो व्यूअर्स, हम जैसे इसको अप डाउन कर रहे हैं हमें पिक्चर पे वाजिया वर्क होता नज़र आ रहा है। आप इसको इस बटन की मदद से भी अप डाउन कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से आप मैनुअल भी इसको चेंज कर सकते हैं।
देखो व्यूअर्स, हम इन टू एरो बटन की मदद से आप एंड डाउन कर रहे हैं। यहाँ नीचे कंट्रास्ट दिया हुआ है, आप इनको भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इन टू बटन की मदद से भी आप इनको अप एंड डाउन कर सकते हैं, और कीबोर्ड की मदद से आप मैनुअल भी इनको चेंज कर सकते हैं। देखो व्यूअर्स, हम जैसे ही वर्क हो रहा है ये चेंज हो रहा है। कीबोर्ड की मदद से इसको टाइप करते हैं, हमने इसको कीबोर्ड की मदद से 10 कर दिया। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर यहाँ से कुछ गलत हो जाए तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ हमें रीसेट बटन दिया हुआ, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर ओरिजिनल शेप में हमारे पास अपीयर हो जाएगी। देखा व्यूअर्स, आई थिंक व्यूअर्स अभी आपको पिक्चर में कलेक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।